सो फाइनली दोस्तों गदर 2 का टीजर, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिकुलस दोस्तों, अमेजिंग, सुपर, इससे बढ़िया टीजर यार किसी भी फिल्म का नहीं हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाया हूं आपके बीच। दोस्तों आज हम बात करेंगे गदर जो रिलीज हुई थी उसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, कि ये टोटल 4 दिन में कितनी कमाई कर चुकी है और 5वें दिन यानी कि कल का कलेक्शंस क्या होगा। दोस्तों बुक माई शो पे भूचाल आ गया है, जब से टीजर आया है ना दोस्तों मजा आ गया है। साथ ही साथ दोस्तों टोटल कितने व्यूज मिले हैं इस टीजर को, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले यार छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूं, यार चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने भाई रवि चौधरी को हमेशा प्यार देते रहो यार। दोस्तों टीजर हो गया रिलीज और आप बिलीव नहीं करोगी यार कि 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, और ये दोस्तों महज 6 घंटे के अंदर 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जीत है उन सभी सनी देओल फैंस के लिए। और दोस्तों अभी तक ऐसा लग रहा था कि यार गदर 2 का कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है, दोस्तों फिल्म मेकर्स तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे ना भाई कि यार टीजर थिएटर में क्यों नहीं रिलीज हुआ, दोस्तों आज फिल्म मेकर्स ने जवाब दे दिया है। भाई फिल्म मेकर्स ना बहुत दिमाग से काम कर रहे हैं यार, आप उनके मूवमेंट को ना आप हल्के मत लो यार, वो बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। पहले टीजर कितना सेकंड का था, 55 सेकंड का था, अब टीजर 1 मिनट 6 सेकंड का है। दोस्तों इसका मतलब 20 सेकंड और बढ़ाया है। उस 20 सेकंड में क्या बढ़ा है दोस्तों, आपको बता दूं कि एक तो उसमें सन्नी देओल का पहिए वाला जो एपिक सीन है दोस्तों उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, और साथ ही साथ क्या आपने एक और चीज नोट की दोस्तों, जब सन्नी देओल पहिया उठाते हैं ना, सन्नी देओल के जस्ट पीछे दोस्तों एक चेहरा, जी हाँ दोस्तों वो कोई और नहीं है यार, जो बंदा खड़ा है उत्कर्ष शर्मा है यार। जी हाँ, उत्कर्ष शर्मा को बचाने के लिए तो सन्नी पाजी लाहौर जाते हैं, और देखो आप कैसे सन्नी पाजी उस बग्घे को, उस पहिए को ऐसे घुमाते हैं और कितने लगभग सैकड़ों की भीड़ को दोस्तों कैसे वो महज चंद मिनटों के अंदर ढेर कर देते हैं। दोस्तों हमने अभी एनिमल का प्री टीजर देखा, 40 लोगों की गुट को कैसे रणबीर कपूर क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी से मारता है। अरे ये तो हमारे सन्नी पाजी ने बरसों पहले दोस्तों यमला पगला दीवाना में कर दिया यार, वो 40 क्या 80 से भी ज्यादा लोग थे आप देख सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों कि टीजर के अंदर आपको बता दूं कि एक इमोशनल सीन्स भी है, उसको भी थोड़ा बढ़ाया है, जहां पे जुबिन नौटियाल की आवाज आती है वो घर राजा परदेसी, दोस्तों वहां पे जो एक क्लोजअप सीन दिया गया है ना सन्नी पाजी का, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, उनकी आंखें नम दिख रही है, दोस्तों वही फील चाहिए गदर में यार, वही इमोशन चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या आपने एक चीज नोट की है, सुखविंदर सिंह, जी हाँ दोस्तों ये वही सिंगर जिनकी आवाज बुलंद है, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में गाया है, और आज के सिंगर नहीं है और 90s के सिंगर है यार, वो सुल्तान जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में गाया है दोस्तों, सुखविंदर सिंह की आवाज है इसके अंदर। और पता है क्या, जब वो पहिया ऐसे उठाते हैं ना संदीप जी, तो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजता है, वो म्यूजिक जानते हो दोस्तों क्या अर्थ है उस म्यूजिक का, मैं करूंगा एक्सक्लूसिव खुलासा दिस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों सुखविंदर सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक में गाते हैं संभवामी युगे युगे, इस श्लोक का अर्थ दोस्तों बहुत गहरा है, अर्थार्थ कि लोगों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के पापों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण प्रत्येक युगो युगों में जन्म लेता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों इसका मतलब ये है, और कैसे भगवान श्री कृष्ण, आप देख सकते हो इमेज में महाभारत में जब युद्ध चल रहा होता है तो भगवान श्री कृष्ण यही वो बग्घे का पहिया उठाकर कौरवों की सेना की तरफ फेंकते हैं, तो अर्जुन उनके चरण पकड़ लेते हैं कि हे प्रभु मत कीजिए ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया होता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोस्तों ये वो जो सीन है ना बग्घे वाला, दोस्तों ये महाभारत से इंस्पायर्ड होकर फिल्म मेकर्स ने लिया है। आप दोस्तों फिल्म मेकर्स की दिमाग को देखो, स्ट्रेटजी को देखो, वो कहां से उठा रहे हैं चीजों को, हमारे सनातन धर्म में बहुत गहरी गहरी चीजें हैं, बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों, वहां से उठाया इन चीजों को उन्होंने, आप देख रहे हो। और मैंने अभी पोस्ट क्या देखा, एक बंदे ने ट्विटर पर पोस्ट डाला हुआ, पता है क्या, अखंडा 2021 में थी और अखंडा में साउथ के कोई सुपरस्टार है, उन्होंने इस बग्घे को उठाया है, और दोस्तों क्या बताया जा रहा, कुछ हेटर कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट कर रखा अखंडा मूवी का ये सीन। अबे उन बताओ उनको यार, मैं गाली नहीं देना चाहता भाई, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं इस वीडियो को गंदा नहीं करना चाहता, उनको बताओ यार कि भाई ये सीन है ना
हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत से उठाया गया है। फिल्म मेकर्स बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, हमारे सनातन चीजों को जोड़ रही है इस फिल्म के साथ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत है, और जिस हिसाब से रिएक्शन आ रहे हैं फिल्म के, कमाल का यार, लोग पागल हो रहे हैं। बुक माई शो पर तो उछाल हो गया भाई, 52,600 लोगों का इंटरेस्ट। कल परसों ये 50,000 के आसपास था, यानी कि हर दिन 3,000 का जंप। अमेजिंग यार, मतलब लोग बाग आज भी वो ऑडियंस है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करती है, वो सीधा ऑन द स्पॉट जाके थिएटर में टिकट को बुक करेगी और दोस्तों फिल्म को देखेगी, और एक नहीं सीधा 10-10 टिकट बुक करेंगे यार। मैं मानता हूं बुक माई शो पे अभी भी स्लो चल रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो स्पॉट बुकिंग में ज्यादा बिलीव करती है, और ये गदर की वही ऑडियंस है। और यंगस्टर भी पागल हो रहे हैं यार इस फिल्म को देखने के लिए, जितने लोग बूढ़े लोग हैं ना उससे ज्यादा लोग तो यंगस्टर है जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं। और अभी तो तरण आदर्श की मैंने रिपोर्ट देखी, तरण आदर्श की रिपोर्ट में भी अभी खुलासा हो गया है कि गदर 40% आगे चल रही है, एनिमल 43% चल रही है, और दोस्तों OMG2 11% चल रही है। आप स्क्रीनशॉट देख लो यार अभी। तो दोस्तों आप किसको किसको मानोगे सच? तो दोस्तों कुल मिला के गदर एक सुनामी, एक तबाही है जो फिर से 11 अगस्त को धमाल मचाने वाली है, इतिहास रचने वाली है, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं मैं सनी देओल फैंस के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि गदर री रिलीज हुए आज टोटल 4 दिन हो चुके हैं, और पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 37 लाख था, दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों कहा जा रहा है 48 लाख अचीव हुआ, और तीसरे दिन का 90 लाख, और दोस्तों आज चौथे दिन का कलेक्शन लगभग 30 लाख हुआ है, यानी कि टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इस फिल्म ने 2.5 करोड़ का कारोबार कर लिया है। कल है 5वां दिन, और उम्मीद की जा रही है कि फिल्म लगभग 25 से लेकर 28 लाख के आसपास का कारोबार कर सकती है। और आज भी दोस्तों काफी ज्यादा हाउसफुल है, द्वारका की बात करूं दिल्ली में, NSP की बात करूं मुंबई में दोस्तों मराठा मंदिर, और तमाम दोस्तों हैदराबाद पुणे कोलकाता अभी भी हाउसफुल चल रहा है। तो दोस्तों इसको आप क्या कहोगे, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे हाइप चल रही है। आप उन लोगों की बात पर बिलीव मत करो जो हेटर्स लोग है ना दोस्तों, हेट फैलाएंगे, लोग बिके हुए हैं यार, बिके हुए सोशल मीडिया पे। ये फिल्म नहीं है, इमोशंस है, और इमोशंस को लोग आज भी फील नहीं कर रहे तो उस बात का बुरा लगता है मुझे। So, दोस्तों अब क्या लगता है आपको गदर 2? अभी भी भरोसा नहीं है मेरी बातों पे कि गदर 2 दोस्तों डेफिनेटली यार बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ेगी, और एनिमल क्या, एनिमल की जगह लोमड़ी आ जाए, चील, चिड़िया, गधा, घोड़ा सब आ जाए, सबको हमारा शेर खा जाएगा, क्योंकि शेर अकेला आता है दोस्तों। एनिमल झुंड में भले ही आता हो लेकिन शेर अकेला आता है, और दोस्तों शेर जब अकेला आता है ना तो सबका सर्वनाश कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेशनल थी, नॉलेजेबल थी। दोस्तों लाइक और कमेंट यार, दोस्तों लाइक आप कमेंट करते हो ना तो मुझे फिर मजा आता है, कुल मिला के मेरे अंदर आप लोग एनर्जी करते हो, एनर्जी से मैं भर जाता हूं दोस्तों। तो लाइक कमेंट जरूर करो, और एक और दोस्तों बहुत बड़ी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि दोस्तों एक पोस्ट में लिंक भी शेयर करूंगा, और अपने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक शेयर करूंगा दोस्तों, एक चैनल का लिंक है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा उसको भी सब्सक्राइब करके आप उसमें वीडियोस देख सकते हो दोस्तों। उसके अंदर आप जैसे कि आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी, तो टॉप 5 फिल्म, टॉप अपकमिंग 5 फिल्म और टॉप अपकमिंग वेब सीरीज, और दोस्तों केरला स्टोरी से रिलेटेड और भी ऐसी फिल्मों को देखने के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। काफी इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाते हैं वो, ठीक है, फिल्मी अनिकेत की बात कर रहा हूं दोस्तों, और फिल्मी अनिकेत को आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, प्यार देते रहिए उनको भी, और मैं जल्दी कम्युनिटी पोस्ट में इसको शेयर करूंगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दीजिए यार, प्यार का भूखा हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।